केस पे जो है ना हमारी ये रुई जो है वो क्या होगी, वॉश होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भाई सुबह सुबह शुरू हो गया, कितने बजे और लेट उठे हैं यार। ये देखो 12:20 पे आज हम सो के उठे हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं भाई। नहीं तो हम तो उठते हैं तकरीबन कोई 2-2:30 तक सो के उठते हैं। अच्छा बात नहीं है। चलिए क्या लेकर आना है ब्रेकफास्ट के लिए? हैं चने ले आऊं? हलीम ये तुम क्या कर रही हो? हैं चलो जल्दी से करो। अभी तो हम करेंगे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ, ठीक है। रात को शरीन ने ना बनाए थे चिप्स, बड़ी डैशिंग थे कि रात ही रात हम लोग सारे चट कर गए। खैर अभी शरीन जो है ना ब्रेकफास्ट बनाएगी और मैं लेकर आता हूँ बाजार से, या चने लेकर आऊँगा या हलीम लेकर आऊँगा, कुछ ऐसा कुछ लेकर आते हैं। तो चाबी देखो मेरे हाथ में है, अभी हम तो चलते हैं बाजार, बाजार से जाके कुछ अच्छा सारा लेकर आते हैं। तो गाइस मैं अभी अपने लिए तो दही लूँगा, आदि जो है वो चने ले रहा है, इनके चने बड़े मज़ेदार हैं। और अभी हम मैं दही और चने लेके फिर घर जाते हैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। इनका दही बहुत ज़बरदस्त है, हजवेरी वाले हैं, इनका कमाल का दही है। देखो कितना मोटा मोटा दही है यार, ये देखो कैसा ज़बरदस्त दही है, पानी का नामो निशान नहीं है भाई। निकल यार, क्या कर रहे हो टिको आप लोग? ये तो कितने तुमने अपने सारे कपड़े कबट से निकाल लिए अपने यार। तुमने मुझसे पूछ के पहनने हैं? मेरा वेट कर रहे थे तो ये पहन लो ना, ये ब्लू वाला ब्लू पहन लो, शॉर्ट यही रहने दो, अपना शर्ट चेंज कर लो बस, ठीक है। अभी गर्मी है बेटे, क्यों देखो चेंज कर। तो तुमने भी जींस पहननी है? गर्मी अभी हो, अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये वाले पहन लो, येलो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, येलो वाली पहन लो। चलो जल्दी से जो है ना इसको खत्म करो। देखो मेरी बेगम जो है इस टाइम पे अब पेड़े पर आना शुरू हो गई है, ये देखें क्या ये बाहर जो देख बन रही है कोरमा, वो आज बरसी है उनके किसी माँ के पापा के हस्पताल बरसी है, तो इसलिए वो देख बना रहे हैं। है अब क्या लेकर आ गई हो तुम? ये वाली नहीं, ये वाली येलो शर्ट है ना तुम्हारी, तो उसके साथ ब्लू का कंट्रास्ट करोगे ना, येलो के साथ येलो का कंट्रास्ट हो रही होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद ना तुमने पढ़ना है, कल पेपर की तैयारी करनी है, और तुमने भी ट्यूशन कितने बजे जाना है? नाराज हो गए? इधर दिखाओ, इधर आओ, दिखाओ मुझे आप। ये तो कितनी अच्छी ड्रेसिंग लग रही है, येलो तुम्हारे बाजू में भी है, ठीक है, वो देखो बाजू में भी है और तुम्हारे पैंट में भी येलो कलर है, कितना अच्छा परफेक्ट जो है ना आपका कॉम्बिनेशन बना है। वो हमारे साथ बड़ी जबरदस्त नाराज हुई है, पता नहीं क्यों नाराज हो गई है, इसका जो है ना कुछ मूड जो है वो चेंज होता ही रहता है भाई। हमारा नाश्ता चने और मेरी दही, ये मेरा चाय का कप ये रहा और पराठे ये रे। मिलते हैं हम आपको ब्रेकफास्ट के बाद, इसको भी देख लो ब्रेकफास्ट के बाद। A few minutes later. तभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों को ट्यूशन चले गए हैं, टिक्कू जो है वो यहीं पर ही है। अभी मैं हम लोग जा रहे हैं आरे बाजार, आरे बाजार जाके ये हमारे पास जो क्रुइयां पड़ी हुई है इसके जो है ना गद्दे बनवाने हैं, गद्दे बनवाने हैं भाई। तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम लोग वापिस आ गए? तो गए तो हम आपको आरिफदार में मिलते हैं, आरिफदार में 2-3 काम है वहाँ पर बुआ ने ख़त्म करके, तो फिर आपसे मतलब आरिफदार में मिलते हैं, दिखाते हैं आपको हम लोग आज कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कि रुइयाँ शुइयाँ भरवानी है, गद्दे छद्दे बनवाने हैं, तो चलते हैं आरिफदार भाई। ये लक्की थे, देखो सवाल किया जा रहा है उससे जवाब नहीं आ रहा, बता ना ठगी का मतलब क्या है? ये फंस गया सी है, ठगी का मतलब बता। इधर मैं मीम्स लगाऊंगा, फंस गया जी है।
अपने घर वालों को बाकी लगाई को बात अगली लगाई है होली के लिए फ्रूट सिलवाना पड़ेगा। नहीं वो तुम्हारा कुर्ता जो नहीं चिकन का वो नहीं ऊपर इतना प्यारा खराब हो जाएगा। नहीं वो होता जाता कलर नहीं उतरता मेरे शूज नहीं आते तो फिर मैं क्या पहनूंगा। मैं तो नहीं अपनी वो व्हाइट शर्ट पहनूंगा। मेरी तो व्हाइट शर्ट बड़ी कीमती है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पूल पे जाना है। फार्म हाउस है। बर्थडे है मेरे दोस्त के। हम लोग गए थे ना होली इवेंट पे बहुत मजा आया था। मैंने तो इसको कहा था कि चल नहीं वहाँ पर भी वो पूल है। पूल है उनका फार्म हाउस है। नहीं उधर पूल भी है। 2:35 अभी हम लोग जो है ना मशीन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। ये हमारी रुइयाँ हैं और ये इस पे जो है ना हमारी ये रुई जो है वो क्या होगी वॉश होगी। ये वॉश होगी भाई और हमारे फिट गद्दे तैयार हो जाएंगे और टिकू हमारे साथ साथ है। इसमें ना रुई रखी जाती है। रुई यहाँ से जाती है ठीक है। अंदर ना इसके वॉश होती रहती है। यहाँ से ना वॉश होती है। वॉश हो गए दो तरफ निकलती है उस रूम में। हाँ आप ऐसा करेंगे तो आपको बनता ही तो रुई जो है ना उसके मैं पैसे नहीं लूंगा। एक पाव रुई डाल दूंगा ठीक है। चल झूठा। चाहे आप इधर से सोच डालें चाहे उधर से कर ले मैं तो ये कर सकता। टोटल आप कितना बना रहे हैं मुझे बताएं। टोटल आपका आएगा 1100। अच्छा रुई मुकम्मल हो जाएगी 6 इंच टोटल हो जाएगी। आपने कपड़ा सिल मुझे तो कपड़ा हम लोग कब तक दे दें आपको। अभी दे दें कल दे दें। अच्छा मेरे बाजार से लाना है तो बाजार में नहीं घर पे दो पड़े हैं ना। अभी तो नया कपड़ा लगता है। अच्छा गजब बेइज्जती है। पुराने गद्दों में तो नीला भरा जाएगा वो फाइदा क्या है। अगर वो साफ है तो बहुत गला होता है। गाइस ये इनके जो है ना दूसरा है मतलब हॉल। ये सारे गद्दे जो है ना रजाइयाँ इनकी ऑलरेडी रेडी हैं। ये भी रेडी हैं और मैं कल ये गद्दा है और ये इनके गद्दे तकिए जो है ना तैयार इनके पास पड़े होते हैं। हैं ब्लू वाला ना ये शनील का है। हाँ ये मज़े की होती है। ये बड़ी मज़े की रजाई होती है। शनील की है ये। ओ तो कोई दो शिकार दो चूहे देखा घूमते नहीं है। घूमेंगे तो उनको चक्कर आ जाएगा। बात तो सही है। उल्टा जवाब क्या यही तुम्हारा भी तो सवाल उल्टा है। कोई घूमते हैं घूमना होता है ऐसे गोल गोल घूमना उसको घूमना कहते हैं। ए भाई अभी इस टाइम पे शैली जो है ना फुल बहस कर रही है कोशिश कर रही है पैसे बचाने की गद्दों में से लेकिन उसके पैसे बचना नामुमकिन है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं इधर मसाले की शॉप पे। शैली पीछे देखो मसाले ले रही है। घर के सारे मसाले खत्म हो गए थे। ये क्या नहीं नहीं ये नहीं अच्छा होता है गला खराब करता है। इमली आलू बुखारे का पानी है हद होती है। मैं शर्म नहीं आती है तुम्हें चीजें खाने मिली नहीं यार।
तो गाइस अभी मैं अपने रसोई घर पे पहुंच गया हूँ, सारे सौदे तरफ ले आए थे और मैंने फौरन फटाफट चिकन को भी मैंने वॉश कर दिया और मसाले सारे मिक्स करके जो है ना इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आज बना लगा मैं चिकन और टिंडे। अच्छा टिंडे आज चिकन और टिंडे बनाने लगा भाई, ये शॉर्टकट रेसिपी है, जल्द से जल्द जो है तैयार हो जानी है। हमारा अब खाना वाना रेडी हो गया, सैलेड और साथ में चिकन और टिंडे रोटी। और अभी हम लोग आपको खाने के बाद मिलते हैं, भूख लगी है जबरदस्त यार। गाइस अपना तो खाना पीना हो गया, बड़ा मज़ेदार खाना बना था, बड़े मज़ेदार खाना बना था, पेट हो गया फुल लश पश के समय पेट भर गया भाई। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का बिहाइंड पर एंड कर रहा हूँ, मैंने एडिटिंग करनी है, बहुत टाइम हो गया मैं, बहुत सारे काम है भाई इस मोबाइल के अंदर और आपके भाई के, सारा दिन सारी रात इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सो गाइस गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय।